करनी। आज अबीर ने ये प्रोजेक्ट सबमिट किया। अभी ना वो ननिहाल का पेड़ बना रहा था घर पे, मतलब मैंने पूरा तो नहीं देखा था कि उसने क्या फाइल बनाया, पर बना तो रहा था ये। मैंने भी नहीं देखा था। मैं जानती हूँ कि अभिनव जी की फैमिली नहीं है, सो अभीर का सिर्फ ननिहाल का फैमिली ट्री बनाना मेक सेंस। लेकिन किसी की फोटो क्यों नहीं है? क्या वो अपनी फैमिली से टच में है? वो उन्हें जानता भी है? देखिए, हम कहने के लिए फैमिली ट्री कहते हैं, लेकिन असल में फैमिली एक पेड़ की तरह ही होती है। अगर फल को पता ही नहीं है कि वो कौन से पेड़ से है, तो लाइफ में बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। और खास तौर पर इस कच्ची उम्र में बच्चे पर सबसे ज्यादा असर उसके परिवार का होता है। लेकिन अगर वो अपने परिवार से मिलेगा ही नहीं, तो आपकी तो फैमिली है ना, या अभिनव जी की? मेरी भी है, फुल फैमिली है। तो उसमें किसी की फोटो क्यों नहीं लगाई? मामू की जगह क्यूट बिल्ली, नानू की जगह शेर की फोटो क्यों? देखिए, आपको फैमिली की जरूरत हो या ना हो, लेकिन एक बच्चे को फैमिली की जरूरत होती है। कल को दूसरे बच्चे उससे पूछेंगे कि वो अपनी फैमिली से मिलता क्यों नहीं है, क्या बात है? इट कैन लीड टू कॉम्प्लेक्सेस इन अ चाइल्ड। बच्चे शायद इस बात को समझ ना पाए, लेकिन बड़े तो समझ सकते हैं ना। सिर्फ बच्चे पैदा कर देने से माँ बाप नहीं बन जाते, सिर्फ खून के रिश्ते नहीं होते। बाकी को आई वीनू की याद। जी दोस्तों, गुमे किसी के प्यार के आने वाले एपिसोड में आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा जहाँ पर बाकी को वीनू की याद आने वाली है और वो वीनू से मिलने जाने वाली है। आपको क्या आगे क्या होगा मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।